आए हैं जो कि हिंदू का है, 17th of Feb का। ठीक है, सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, न्यूज बहुत सारी है, तो चलिए समय खराब ना करते हुए हम अपना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम। तो बेसिकली जो मुझे नहीं जानते हैं वो जान लें कि मेरा नाम है निशांत पनाली। ठीक है, और अगर आपको इस सेशन अच्छा लगता है हिंदू का तो प्लीज लाइक लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ठीक है, और मेरे चैनल का जो नाम है उसका नाम है मनाली मेड इजी। ठीक है, चलिए सर, इसके अलावा जो मेन टॉपिक, जो मेन कंसर्न है हमारी न्यूज का, उसमें आते हैं। तो एक बार मैं पेपर की आपको हेडलाइंस दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, पहली न्यूज क्या है, ये हिंदू है दिल्ली एडिशन का, ये हिंदू है दिल्ली एडिशन का। ठीक है, तो पहली खबर क्या है सर, एक टूल किट केस है। तो पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। एक्चुअली जिन्होंने मेरी क्लास ली है इससे पहले तो वो तो शायद जानते होंगे टूल किट केस क्या है, लेकिन जो नहीं जानते हैं ये उनके लिए है। ठीक है, जो नहीं जानते हैं ये उनके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस चीज में आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये मामला दिन पर दिन जो है इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस मामले में, क्योंकि जो यूथ है मिस रवि, वो इसमें दिशा रवि जो है उनको जो है अरेस्ट किया गया है या रिमांड में रखा गया है 5 दिन की, तो उसको लेके बड़े ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं सिंस वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। तो ये पूरा मामला है क्या, ये मामला तू क्यों पकड़ रहा है, इस बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए हमें पीपीटी माना पड़ेगा। इन सब की सर शुरुआत कहां से हुई मैं बताऊं आपको, इन सब की शुरुआत हुई कहां से, वो हुई फार्मर्स प्रोटेस्ट से। ठीक है, इन सब की शुरुआत हुई फार्मर्स प्रोटेस्ट से। ठीक है, अब मानिए सर, इंडिया, सिंस इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, हमारे इंडियन मूल के लोग पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स में कह सकते हैं रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इंडियन डायस्पोरा जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंडिया में कोई भी बात होती है ना सर, उसको उस मुद्दे को या उस टॉपिक को इंटरनेशनलाइज होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो यही हुआ, फार्म प्रोटेस्ट चले, वो भी इतनी भारी मात्रा में कि इंटरनेशनल अरीना की नजर इसमें पहुंच गई। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, रिहाना जो हमारी सुपरस्टार है, ठीक है, विदेश की सुपरस्टार है आपकी रिहाना, इनका कमेंट आ गया, दैट व्हाई, इनका ट्वीट आया दैट व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, एंड इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दिस ट्वीट इटसेल्फ। अब रिहाना का कहीं नाम नहीं है, बट इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दिस ट्वीट इटसेल्फ, राइट। इन्होंने ट्वीट किया कि व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, फार्मर, हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट। ठीक है, हम कह सकते हैं भले ही इनको इस मुद्दे के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और नहीं भी होगी, हम इनसे एग्री इस बात में करते हैं कि ये नहीं पड़ेगी हमारा कुछ कन्नों का लॉ जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है, तो ये नहीं पड़ेंगी उसमें, तो इनकी बातों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज पे ध्यान भी दिया है। ठीक है, और मोदी जी ने इस चीज को कहा है FDI। ठीक है, ये सब जानते हैं, मोदी जी ने लोकसभा राज्यसभा में दो नए वर्ड निकाले हैं, एक था FDI और एक था आंदोलनजीवी। मैं सब ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, जो जो नया है उसको समझ में आएगा पूरा। दो वर्ड निकाले, एक निकाला FDI, दूसरा है आंदोलनजीवी, मोदी जी ने कहा। ठीक है, FDI थोड़ा देखने में बड़ा ही फेमिलियर वर्ड लग रहा है, लेकिन मोदी जी ने कहा, एक तो होता है सर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो फॉरेन निवेशक हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करता है उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI। ठीक है, जो बाहर से पैसा हमारे देश में लगता है और उसे हम कह सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। ठीक है, लेकिन मोदी जी ने जो इस FDI का नाम रखा ना सर, वो बड़ा ही, मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा इसका नाम उन्होंने रखा है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। समझ में आ रहा है, मोदी जी ने इनका जो नाम रखा है वो रख दिया है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। ये इन्होंने बेसिकली जो ट्वीट आए थे इसके बिहाफ में इन्होंने बात कही थी, इन्होंने कहा ये एक फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है जो हमें गुमराह कर रही है। और दूसरा इन्होंने टर्म का यूज किया आंदोलनजीवी, इन्होंने कहा आंदोलनजीवी वो पैरासाइट्स हैं या वो कीड़े हैं जो हर आंदोलन में भाग लेते हैं, जो हर एक आंदोलन में भाग लेते हैं, चाहे वो पर्दे के आगे से हो या पर्दे के पीछे से हो। मोदी जी ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कहां पर कही है, राज्यसभा में कही है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सिंस ये हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो ये वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सर, ये दो टर्म तो हमारे हमने देख लिए हैं। अब रिहाना जी का कमेंट आया, तो इसमें हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इसकी आलोचना की, और मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हम भी जो है लोगों के मुद्दे में बात करते हैं, तो ये हमें आलोचना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है कि इंडिया जो है किसी एक इंडिविजुअल को जो है रिप्लाई कर रहा है।
ठीक है, हम अगर बात करते हैं तो हम डायरेक्ट डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करते हैं, ठीक है, और हम किसी इंडिविजुअल पे कमेंट कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, बाकी ये हमारा अभी मुद्दा नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद एक कमेंट आया, इनका नाम है ग्रेटा थुनबर्ग, अगर इनकी तारीफ करूं तो ये एक यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट है जो कि स्वीडन है, स्वीडन की है बेसिकली, और इन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना नाम कमा लिया है कि शायद अपने आप में एक अनपैरेलल्ड अचीवमेंट है, ठीक है। तो इनका कमेंट आना इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। इन्होंने कहा, वी स्टैंड इन सॉलिडैरिटी विद द हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, ठीक है, ये इनका कमेंट आया, ठीक है, चलिए सर। इनके फॉलोअर्स भी थे, उन्होंने फॉलो भी किया, ठीक है, ये दो हमारे जो थे डेवलपमेंट थे। फिर क्या हुआ इससे आगे, यहां तक सर बात ठीक थी, लेकिन बात बिगड़ी सर कहां से, यहां से। फिर 26 जनवरी के प्रायर, 26 जनवरी को हमने देखा सर क्या हुई, 26 जनवरी को हमने देखा वहां क्या, इंडिया में क्या हुई, रेड फोर्ट पे क्या हुई, वायलेंस हो गई, जहां पर खालिस्तान का जो झंडा है वो हमारे नेशनल फ्लैग से ऊपर दिखाया गया, और वो नजारा तो मैं भूल नहीं पाता हूँ, वो फोटो मैंने खास कर रखा है अपने लिए, क्योंकि हमारे लोगों को पता लगना चाहिए कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था। अब चाहे आप इसे कुछ भी कहिए, लेकिन ये फोटो जो है हम लोगों के जहन में एक बस चुका है। मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहूंगा सर बेसिकली, ठीक है, मुझे एक मिनट दीजिएगा। ये देखिए, ये फोटो देखिए आप, दिस इज अ नेशनल फ्लैग, और ये खालिस्तान का झंडा है जो हमारे नेशनल फ्लैग से ऊपर आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, इस बात को हम यहां पर देखते हैं हमारी पीपीटी में। अब इनका क्या हुआ, 26 जनवरी के प्रायर इनका एक ट्वीट आया, इसमें इन्होंने लिखा कि हियर इज अ टूल किट। टूल किट क्या होता है सर, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको हेल्प करेगा कि हाउ यू कैन फाइट मोर एफिशिएंटली विद द गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है, कि आप गवर्नमेंट से मोर एफिशिएंटली कैसे फाइट कर सकते हैं, ठीक है, और इन्होंने डॉक्यूमेंट का पीडीएफ यहां डाल दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, इसमें कुछ डेट्स की प्रॉब्लम थी जो कि हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने कुछ टाइम बाद जो है एक अपडेटेड वर्जन डाल दिया, किसका, इसका, जो ये इनका वो था टूल किट था, उसका अपडेटेड वर्जन डाल दिया है। इसमें सर कुछ बातें कही गई थी, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है, कुछ बातें कही गई थी, क्या इन्होंने कहा था हम डिजिटल स्ट्राइक करेंगे। हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे डिजिटल स्ट्राइक, ठीक है, हैशटैग चलाएंगे, हम चलाएंगे हैशटैग चलाएंगे सर, ठीक है, कमेंट करेंगे, एंड लॉट ऑफ थिंग्स उन्होंने कही कि हम एम्बेसी का घेराव करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे एम्बेसी का घेराव करेंगे, या हम एम्बेसी को जो है कॉटन करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें थी जो कि कह सकते हैं इंसाइट कर रही थी वायलेंस को, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ना मैंने पढ़ा है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट मीडिया सोर्सेस कह रहे हैं, और गवर्नमेंट की जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो भी ये कह रही है कि इससे क्या है, वायलेंस भड़का है, ठीक है। इतना सर हो गया, इसके बाद क्या हुआ ना, फिर ये देखिए कुछ टूल किट का ये आपका मामला है, ये आस्क इंडिया वाई ग्लोबल फार्मर्स स्ट्राइक फर्स्ट वेव विल यू बी अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। फिर उसके बाद 26 जनवरी को, जब 26 जनवरी को क्या हुआ ये हम सबने देखा, और पुलिस का मानना है कि जो 26 जनवरी को जो आपका वॉयलेंस हुआ वो हुआ किसे, टूल किट को फॉलो करके, ठीक है, वो क्या हुआ, वो टूल किट को फॉलो करके हुआ है, ठीक है। अब लगा सर आरोप किस पे, अब आरोप पहले किस पे लगा, पहले लगा आरोप किस पे, दिशा रवि पे। दो लोग और हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ अभी आरोप जो है बात कर रहा हूँ, दिशा रवि की बात कर रहा हूँ। दिशा रवि पर आरोप लगा और इनको इनके बेंगलोर के घर से अरेस्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद इन्हें दिल्ली लाया गया फ्लाई करके इमरजेंसी बेसिस पे, एंड इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, ठीक है। पुलिस ने मांगी मजिस्ट्रेट से 7 दिन की कस्टडी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने 7 दिन की नहीं, इनको दी 5 दिन की कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में इनको दे दिया 5 दिन की, ठीक है। पुलिस को शक था कि जो दिशा रवि है ये इस सो कॉल्ड जो हमने कहा टूल किट को स्प्रेड किया है इन्होंने, ये इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्होंने जो टूल किट का जो डॉक्यूमेंट था उसको जो है आगे स्प्रेड किया था, लेकिन इनका कहना था कि मैंने सिर्फ 2 लाइंस एडिट की हैं, ठीक है। तो चलिए जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, पुलिस का मानना था कि इन्होंने इसको स्प्रेड किया है, और सिंस टूल किट जो है वो इंसाइटिंग टू वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है, और वायलेंस हुई भी है उसको फॉलो करके, तो इसको अरेस्ट में लिया गया, ठीक है। इसके अलावा क्या किया, दिल्ली साइबर सेल ने जो क्रिएटर ऑफ टूल किट है, जो कि
ये कहते हैं जो क्रिएटर ऑफ टूल किट है वो कौन है सर? वो प्रो खालिस्तानी लोग हैं। इनका ऐसा मानना है जो क्रिएटर ऑफ टूल किट है वो प्रो खालिस्तानी है, चाहे वो आप कह सकते हैं कनाडा के एमपी हो, कोई एमपी हो या कोई भी हो, जिन्होंने टूल किट बनाई है वो प्रो खालिस्तानी लोग हैं, जो सोशली कल्चरली एंड इकोनॉमिकली इंडिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये एक फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है, एफडीआई है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ जो है इन्होंने इनके खिलाफ जो है कहा है कि इनके लिए जो है इंफॉर्मेशन मांगी है कि ये किसने टूल किट बनाई है, साइबर पुलिस इसके लिए अभी सर्च कर रही है। ठीक है, और इनका कहना है जो 26 जनवरी को हुआ वो इस टूल किट को ही फॉलो करके हुआ। दिशा रवि की गलती ऐसी थी कि इन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डोमेन में था इन्होंने उसको स्प्रेड किया है, और जो हमारी ग्रेटा थनबर्ग है इनका एक कंपेन था फ्राइडे फॉर फ्यूचर, इंडिया के फ्राइडे फॉर फ्यूचर की जो हेड थी ऑल ओवर इंडिया की वो दिशा रवि थी, जो हमेशा से एक एक्टिव क्लाइमेट एक्टिविस्ट रह चुकी है। इतनी थी यहां तक की कहानी, क्या आपको समझ में आई पहले ये बताइए। और अभी दिशा रवि को जो है डिफरेंट डिफरेंट आईपीसी के अंदर इनको घसीटा जा रहा है, जिसमें से एक है सेडिशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो आईपीसी हमारे मतलब का स्टेम नहीं है। तो इनको अरेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने टूल किट को स्प्रेड किया है। ठीक है, कुछ इन्होंने कहा था कि जो सेकंड अपडेटेड ये जो आपकी इस पर आरोप ये भी लग रहा है जो ये ग्रेटा थुनबर्ग की जो ये अपडेटेड लिस्ट दोबारा आई थी क्योंकि इसमें कुछ कमी आ गई थी, इसको बनाने में इनका भी हाथ है। किसका? आपका ऋचा रवि का। ठीक है, और इन्होंने बाद में इसको स्प्रेड भी किया। ये तो रही सर आज तक की बात, और अभी ये रिमांड में ही है 5 दिन की। ठीक है, ये हो गया। अब न्यूज क्या कहती है? अब न्यूज कहती है द फोकस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाई दिल्ली पुलिस इन टू टूल किट डॉक्यूमेंट केस इज सेंटर्ड ऑन एन एलिस्ट प्रो खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये रोल इसका रोल जो है अंडर स्कैनर आ रहा है, इसका नाम है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। ठीक है, अब एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल कह रहे हैं द रोल ऑफ ऑल द फाउंडर्स एंड द को फाउंडर्स ऑफ द पीजेएफ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन आर अंडर स्कैनर। ठीक है, समझ गए सर। हाउएवर सोर्सेस ने कहा दैट क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट गीता थुनबर्ग, जिनके ट्वीट ने क्या किया द टूल किट टू द नोटिस ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको फिर बताऊं ग्रेटा थुनबर्ग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई ये करना चाहते हैं उन लोगों पे जिन्होंने ये टूल किट बनाया है, और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनका मानना है कि ये टूल किट ग्रेटा थुनबर्ग ने नहीं बनाया है, ये सिर्फ एक वेदांता है। ठीक है, और ये बनाया आपका किसने है? कोई प्रो खालिस्तानी लोग हैं जो कि एंटी सोशल एलिमेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, अब पीजेएफ को जो स्कैनर में है, लेकिन समझिए जो हमारा यूएपीए एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसके अंदर पीजेएफ जो है, ठीक है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ये जो है बैंड नहीं है, ये जो है बैंड नहीं है। और जो लास्ट ग्रुप बैंड हुआ था उसका नाम था एसएफजे, सिख फॉर जस्टिस। ठीक है, और ना इन्होंने कभी ये बात कही कि दो ग्रुप है, एक तो बैन हो चुका है सिख फॉर जस्टिस एसएफजे और पीजेएफ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, ये लिंक है इसके ऊपर अभी कोई भी कमेंट नहीं किया है दिल्ली पुलिस ने। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस दैट अ पीजेएफ फैसिलिटेटेड अ टूलकिट मेंशनिंग एन एक्शन प्लान फॉर 26 जनवरी ऑन द एसएफजेस फेस गुरपंत सिंह पन्नू इन पैरेलल अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड फॉर होस्टिंग अ फ्लैग एट द रेड फ्लैग। इनका कहना ये है, ये सुन लेते हैं, कुछ नहीं है आज की न्यूज क्या है पहले ये देख लेते हैं। आज की न्यूज ये है कि एक पीजेएफ है, पीजेएफ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, ठीक है, एक है सिख फॉर जस्टिस। ठीक है, ये जो है ये यूएपीए के अंदर बैंड है। ठीक है, यूए ये ए है सर, ठीक है, ये यूएपीए के अंदर बैंड है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, और ये यूएपीए के अंदर बैंड नहीं है, लेकिन इस पे आरोप ये स्कैन में इसलिए है कि इसने स्प्रेड किया है क्या टूल किट, ऐसा इस पे आरोप लग रहा है। अभी स्कैनर में है, सिद्ध नहीं हुआ है। और ये जो इनके हेड है, इनके जो हेड है मिस्टर पानू कह सकते हैं उन्हें, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अराउंड 2.5 लाख का रिवॉर्ड कहा था, रिवॉर्ड घोषित किया था जिसने रेड फ्लैग रेड फोर्ट पे फ्लैग लगाया,
लगाया गया, जो रेड रेड फोर्ट पे फ्लैग लगाया गया खालिस्तान का, उसे 2.5 लाख का अवार्ड मिलेगा। और अल्टीमेटली ये टूल किट क्या कहती है, इसकी वजह से तो क्या हुआ है, अल्टीमेटली टूल किट क्या कहती है, टूल किट में अल्टीमेटली सरकार का कहना है कि इसने इंसाइट किया है वॉयलेंस। सरकार का कहना है कि टूल किट ने अल्टीमेटली वॉयलेंस को इंसाइट किया है। और कौन सी वॉयलेंस को, 26 जनवरी की। और 26 जनवरी को इनाम भी घोषित किया गया था किसने, SJF के जो हेड फाउंड जो हेड है मिस्टर पानू, उन्होंने कहा था कि मैं इनाम दूंगा 2.5 लाख का जो कि रेड फोर्ट पर झंडा फहराएगा खालिस्तान का। तो लग रहा है आपको कि दोनों ये देखिए अलग अलग डेवलपमेंट है, क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड है या नहीं है, ये पुलिस इस समय खोजबीन कर रही है। समझ में आया, एक है PGF, एक है SFJ। इनका कहना है कि जो टूल किट स्प्रेड की है वो PGF ने भी की है, जो अभी UAPA के अंदर बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और इससे क्या हुआ है, वायलेंस हुई है कब, 26 जनवरी को इस टूल किट को पढ़ के। लेकिन जो हमारी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके जो आपके कह सकते हैं जो हमारी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके ये आपके हैं गुरपतवंत सिंह पानू जी, उन्होंने इसके पैनल में ये भी कहा था कि मैं 2.5 लाख का इनाम दूंगा जो रेड फोर्ट में झंडा फहराएगा, किसका, खालिस्तान का। और समझिए रेड फोर्ट में झंडा भी फहराया गया, और पुलिस का मानना है कहीं इसमें और इसमें कोई कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, अभी तक की जो खबर थी वो समझ में आई, चाहे हम बात करते हैं इस ट्वीट से लेकर, फिर ये दूसरा वाला जो आपके टूल किट था, फिर टूल किट में एक्चुअली था क्या, हल्का फुल्का इसके बारे में बातें की हमने, फिर हमने बात की क्या किया दिशा रवि को, क्यों अरेस्ट किया, अभी तक कितना केस पूरा बना है, एंड देन हमने आज की न्यूज की बात की। इसे हम कहते हैं टोटल न्यूज एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक हम आर्टिकल भी ले लेते हैं। एक्चुअली ये आर्टिकल बाद में जो है आप पढ़ेंगे 7th or 8th पेज में, लेकिन मैं इसको यही बता देता हूँ। अभी मैं ये न्यूज मैंने उठाई है कहाँ से, ये न्यूज मैंने उठाई है आपकी ये टॉप स्टोरीज है, ठीक है, लाइव लॉ इनकी, तो ये बेसिकली हिंदू में भी है लेकिन मैंने इससे पढ़ा है, आप देखते हैं। अब एक हमारे ओल्ड एक्स जस्टिस है, इन्होंने कहा है कमेंटिंग अबाउट द टूल किट विच लेड टू द अरेस्ट ऑफ 21-year-old क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि। मेरी बात समझिए, पहले मैंने आपको पूरा पूरा वो बताया कि कैसे कैसे ये पूरा मुद्दा चला है, उसके बाद मैंने बताया आपको कि जो दिशा रवि है उनको अरेस्ट क्यों किया गया, ठीक है, फिर बताया मैंने आपको आज की न्यूज कि पुलिस अभी क्या ट्रेस कर रही है। अभी जब आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई तो ये आर्टिकल पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। समझिए इस आर्टिकल का क्रक्स क्या है, वो मैं आपको 1 से 2 मिनट में बता के निकल जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको ही है ना सर, तो पढ़ना भी आना चाहिए कैसे हम न्यूज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कमेंटिंग अबाउट द टूल किट which led to the arrest of 21-year-old climate activist Disha Ravi, easy. Former SC judge, Justice Deepak Gupta said that he could not see anything seditious about the document. Seditious क्या है? इन पे charge लगा है seditious. और मेरे ख्याल से जो sedition का जो section होता है, वो होता है 124A, if I am not wrong. But check कर लीजिएगा. Every citizen of the country has the right to oppose the government. बिल्कुल. So long as the opposition is peaceful. सेट जस्टिस दीपक गुप्ता, बिल्कुल ठीक है सर, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। अब इसके आगे क्या हुआ है, ऑन 14 फेब रवि को जो है अरेस्ट किया गया, रिमांडेड टू अ 5-day कस्टडी बाय दिल्ली मजिस्ट्रेट। मैंने कहा था इनको बेंगलोर से अरेस्ट किया गया, दिल्ली लेके आए, दिल्ली में पुलिस ने 5-7 दिन की इनकी कस्टडी मांगी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने 5 दिन की इनको कस्टडी दे दी। रवि हैड बीन अरेस्टेड फ्रॉम बेंगलुरु इन अ केस रजिस्टर्ड ओवर द टूल किट शेयर्ड बाय इंटरनेशनल एक्टिविस्ट दीपा थुनबर्ग रिलेटेड टू दी फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑन सोशल मीडिया। बिल्कुल बात की हमने, फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू सेडिशन बाय क्रिएटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया स्प्रेड ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इनको अरेस्ट किया गया, इन्होंने कहा कि इन्होंने टूल किट शेयर की है जो कि किसने ट्वीट किया था, ग्रेटा थुनबर्ग ने, जिसमें क्या किया, हम लोग जो है डिसअफेक्शन फैला रहे हैं इंडिया के खिलाफ, मतलब इंडिया के लिए हम हेटेड फैला रहे हैं, हम कम्युनल डिसहार्मनी कर रहे हैं, जो लोग साथ में रह रहे हैं उनके अंदर हम एक अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, और एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इनके अंदर केस रजिस्टर हुआ। लेकिन क्या कहा जस्टिस साहब, कहते हैं गुप्ता साहब कहते हैं कि जो अरेस्ट है रवि का वो एक अटैक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड एवरी सिटीजन
हैड द राइट टू अपोज द गवर्नमेंट पीसफुली। यही इन्होंने किया। रवि का कहना, इनका कहना था कि रवि ने जो है, ये इनका हक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और हर सिटीजन का ये हक है कि वो गवर्नमेंट को अपोज कर सकता है कैसे, पीसफुली, ये इन्होंने कहा। ठीक है, इन्होंने कहा, मैंने खुद देखिए ये एक बात जस्टिस कह रहे हैं, और प्लीज प्लीज ठीक है, इसे नोट कीजिए, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड इसको नोट करना पड़ेगा। आफ्टर सेइंग दैट ही रेड द टूल किट डॉक्यूमेंट, टूल किट जो मुद्दा इतना टूल पकड़ा हुआ है, जस्टिस साहब ने कहा मैंने टूल किट का डॉक्यूमेंट खुद पढ़ा है जो पब्लिक डोमेन में है, और मुझे ये दिखा है कि वहां कुछ भी नहीं है जिससे कि वॉयलेंस को इंसाइट कर रहे हैं, या हम वॉयलेंस के बारे में बातें कर रहे हैं, या लोगों को उकसा रहे हैं कि वॉयलेंस करो। आई डोंट सी व्हाट इज सीडिशियस अबाउट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, वन मे और मे नॉट एग्री विद द प्रोटेस्टर्स, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। कोई उनसे एग्री करे प्रोटेस्टर्स से या ना करे, वो अलग चीज है, बट टू से दैट दिस इज सीडिशन इज टोटली नॉट अंडरस्टैंडिंग द लॉ। अगर आप ये कह के ये जो टूल की टिक्स को देखे बोलते हैं कि ये सेडिशन को के चार्ज में इसमें आपको डील करते हैं, तो आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैंने खुद पढ़ा है टूल किट जो पब्लिक डोमेन में है, और मुझे उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों को भड़का रहे हैं या कह रहे हैं कि वॉयलेंस करो। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया 1962 का केस था, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, वेर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A जो सेडिशन है ऑफ द इंडियन पिनल कोड was upheld by Supreme Court and noted that sedition could only take place if there was incitement to violence or public disorder which was absent in the instant case. ये कह रहे हैं मैंने खुद टूल किट पढ़ी है, उसमें कोई incitement नहीं था, उसमें कोई incitement नहीं था, और मेरे हिसाब से ये आप लोगों का जो है क्या कर रहे हैं, उनका freedom को curb कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे young activist हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो young activist हैं, बहुत कम लोग, समझिए मैं बड़ा हुआ, आप बड़े हो रहे हैं, क्या आप में से कितने लोग आउट ऑफ 100% कितने लोग एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, आप बताइए, 2-1% सर, ये भी मैंने बहुत कह दिया है। और इनके बीच में जब कोई एक्टिविस्ट आगे निकलना निकल के आता है, एक लीडरशिप क्वालिटी लेता है, ये उनको डीमोटिवेट करेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हमारी डेमोक्रेसी को हैम्पर भी करेगा। ठीक है, गुप्ता साहब ने क्या कहा समझ में आया? तो आई गेस अब ये न्यूज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ऑल इन ऑल कंप्लीट। ठीक है, हम आते हैं दूसरी न्यूज में, तो ये न्यूज हमारी पूरी कंप्लीट होती है, इसे हम टिक मार देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सर कितने टाइम लगा हमें न्यूज पढ़ने में, बताइए, 22 मिनट हमारा इसमें चले गया, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे एक और जो था, एक मिनट दीजिएगा, ये दूसरी न्यूज है हमारे पास। दूसरी न्यूज क्या है, चाइना इंडिया पुल बैक ट्रूप्स फ्रॉम पेंगोंग। ठीक है, ये भी हमारे पास है, इजी, बहुत इजी कर देंगे सब चीजों को, चिंता मत करिए आप। ठीक है, देखिए पेंगोंग लेक है, एक नॉर्थ साइड है उसकी, ये पेंगोंग लेक ही है, इसका नॉर्थ साइड साउथ साइड, हम बात कर रहे हैं अभी नॉर्थ साइड की। एग्रीमेंट साइन हुआ है पेंगोंग में, क्या हुआ है समझिए, जल्दी जल्दी बताऊंगा, आज इसकी मैं स्पेशल क्लास भी ले चुका हूँ, इंडियन पेंगोंग डिसएंगेजमेंट, वहां से भी आप देख सकते हैं, या मैं यहां भी बता रहा हूँ, यहां भी देख लीजिए, समझिए, ये हैं दो लाइनें, ये हैं दो लाइनें जो हर किसी को दिख रही होंगी। ठीक है, था क्या, मई से पहले ये था बॉर्डर, बिफोर मई जो था बॉर्डर ये था, और चाइना बिफोर मई यहां पर था, और इंडिया कहां था, इंडिया लगभग मान लीजिए इंडिया का बेस यहां था, और इंडिया फिंगर चार तक की पोजीशन इंडिया की मांग सकते हैं, तो इंडिया की बाउंड्री ये थी। ठीक है, और इंडिया अमूमन यहां तक पेट्रोलिंग करने जाता था, भले यहां पर इंडिया की पोस्टें नहीं थी, लेकिन इंडिया फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में अमूमन पेट्रोलिंग करने जाया करता था। लेकिन इंडिया की एक धन सिंह थापा पोस्ट कहां पर है, यहां पर आपकी की पोस्ट है जो कि फिंगर 3 पे है, और इंडिया का एक बेस यहां भी है। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब इंडिया ने यहां पेट्रोलिंग कम की, तो चाइना ने इसका फायदा उठा के हल्के सलामी स्लाइसिंग का यूज करते हुए, सलामी स्लाइसिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए, उसका यूज करते करते चाइना फिंगर 4 तक आ गया। सलामी स्लाइसिंग का यूज करते हुए चाइना कहां तक आ गया, फिंगर 4 तक आ गया, और लगभग 8 किलोमीटर की बाउंड्री में हमारी वो घुस गया, लगभग 8 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर वो घुस गया। और चाइना ने कहा कि अब ये LOC नहीं है, चाइना ने कहा भाई अब बहुत हो गई LOC, अब जो LOC है LOC ये नहीं है,
एलओसी कौन सी है, एलओसी ये है, और चाइना ने यूनिलैटरली इसको जो है एलएसी, एलओसी कह रहा हूं सॉरी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इस लाइन को घोषित कर दिया। इससे क्या हो गया कि इंडिया कहां तक है, फिंगर थ्री तक है, और फिंगर फोर और उससे आगे क्या है, चाइना है। ये था नॉर्थ पेंगोंग में विवाद। फिर इंडिया ने क्या किया, बहुत राउंड ऑफ टॉक्स हुई, अल्टीमेटली क्या डिसाइड हुआ कि चाइना वापस से विड्रॉ करेगा और फिंगर एट की कहां जाएगा, बियॉन्ड जाएगा, और इंडिया की पोस्ट कहां रहेगी, इंडिया अपनी पोस्ट में यहां पर जाएगा। ठीक है, इंडिया जाएगा अपनी पोस्ट में यहां पर, चाइना जाएगा फिंगर एट के बियॉन्ड, और जो फिंगर फोर से लेकर फिंगर एट का जो इलाका है वो रहेगा आपका नो मैन जोन। और मीनवाइल यहां पर पेट्रोलिंग में भी क्या लगा है, मीनवाइल पेट्रोलिंग भी यहां पर बंद की गई है, कुछ समय बाद जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 4 से 8 क्या है, नो मैन जोन है, इंडिया जाएगा फिंगर थ्री में अपनी पोस्ट जो इंडिया की है धन सिंह थापा पोस्ट, ठीक है, और चाइना फिंगर एट के बियॉन्ड जाएगा। तो ये जो डिस्प्यूटेड इलाका था अभी तक ये जो है कंजर्व हो गया है। ठीक है, ये बात रही नॉर्थ पेंगोंग की। ठीक है, आते हैं साउथ पेंगोंग, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साउथ पेंगोंग ये है, ठीक है, अब क्या है ना, समझिए यहां पर आपका क्या है, मालदो, मालदो यहां पर है। ठीक है, अब मालदो से अगर कोई आदमी, ये यहां पर एक गैप है, इसको हम कहते हैं स्पंगूर गैप, और चाइना हमेशा जो है मालदो से चुशूल तक पहुंचना चाहता है। चुशूल तक क्यों चाइना आर्मी पहुंचना चाहती है, पहले ये चीज देखते हैं। चुशूल क्या है ना, चुशूल एक प्लेन इलाका है। चुशूल क्या है, चुशूल है एक प्लेन इलाका, और जो प्लेन इलाका है तो वहां क्या है, एक एयर स्ट्रिप भी है। अब देखिए इतना मैंने कह दिया तो ये 2 वर्ड ही आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, प्लेन इलाका है और एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप है मतलब वहां पर हवाई जहाज लैंड कर सकता है, और वहां पर, वहां से हमारी पोस्टों में जो दूर दराज पोस्ट है वहां पर लॉजिस्टिक पहुंचाना बहुत ही आसान है। मतलब कभी कॉन्टीजेंसी हो गई तो हमारे हथियार, बैकअप, राशन सप्लाई यहां से हमारी पोस्टों तक आसानी से पहुंच सकती है। तो चाइना हमेशा से जो है इस चुशूल पर कैप्चर करना चाहता है, और चुशूल के से क्या होगा, आपका जो लेह का पूरा रूट है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन क्या किया इंडिया ने, इंडिया ने गुरुंग हिल में और मगर हिल में कब्जा कर लिया। इंडिया ने क्या किया, गुरुंग हिल में और मगर हिल में क्या किया, कब्जा कर लिया। अब इससे क्या हुआ, जब गुरुंग हिल और मगर हिल में इंडिया ने कब्जा कर लिया, इससे क्या हुआ सर, इससे क्या है बताते हैं आपको। हमारे पास कोई अच्छी फोटो है तो दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए। अब मान लीजिए अगर इंडिया ने गुरुंग हिल और मगर हिल में कब्जा कर लिया तो देखिए उससे क्या होगा। ठीक है, गुरुंग और मगर में कब्जा कर लिया, इस पंगूर गैप है, और चाइना मालदो से जो है हमेशा, चाइना जो मालदो से हमेशा चुशूल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, अब क्या किया देखिए इन्होंने, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है अभी ये जरा फोटो खुलने दीजिए, जैसे खुलती है इसके पीछे बताऊंगा मैं आपको। तो पहले मैं ना साउथ पेंगोंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर लूं, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर चाइना यहां से इंट्रूड करने की कोशिश करता है, इंट्रूजन करता है और चुशूल तक पहुंचना चाहता है, कहां से, स्पंगूर गैप से, तो क्या होगा, गुरुंग हिल और मगर हिल में जो है हमारे लोग बैठे हुए हैं, गुरुंग हिल और मगर हिल में जो है हमारे लोग बैठे हुए हैं, और समझिए कि अगर दो पहाड़ है, बीच में गैप है, अब पहाड़ की चोटी में जो बैठा हुआ है, पहाड़ की चोटी में जो बैठा हुआ है, वहां से नीचे गैप में लोगों को मारना बहुत आसान है। तो हम इन पहाड़ों की चोटी में बैठे हुए हैं, और बीच से अगर कोई फौज या कोई मूवमेंट होता है तो हम उनको बहुत ही आसानी से जो है काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें बहुत ही आसानी से जो है काउंटर कर सकते हैं। वो फोटो नहीं खुल रही है, आप ऐसे समझ लीजिए कि दो हिल्स हैं, आप समझ लीजिए दो हिल्स हैं, अब दो हिल्स की ऊंचाई में आप हैं तो ऊंचाई से नीचे दुश्मन को मारना बहुत आसान है। तो चाइना यहां से आने की गलती नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट चाइना का एक ऑप्शन जो सर आपका बंद हो गया, जो यहां से नहीं आएगा, क्योंकि गुरुंग और मगर हिल जो है इंडिया की है। फिर चाइना ने क्या किया, अगस्त 29-30 या उसके थोड़ा बियॉन्ड में, अप्रोक्सीमेटली उसी डेट थी, चाइना ने यहां से इंट्रूजन करने की कोशिश की और हेलमेट टॉप और बैक टॉप को, मतलब कह सकते हैं कि उनको पाने की कोशिश की। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने चाइना की जो एलएसी है उसको पार किया और हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप को इंडिया ने कैप्चर कर लिया। जब हेलमेट टॉप ब्लैक टॉप को कैप्चर कर लिया तो ये बहुत ऊंची चोटियां हैं, तो अगेन बात वही आती है, ऊंचाई से दुश्मन को मारना और दुश्मन की फ्लीट को रोकना बड़ा ही आसान है। तो चाइना के लिए दूसरा ऑप्शन भी क्लोज हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये है
जो कि रिजांगला एंड देन वो आपका चुशुल तक जाता है। लेकिन क्या किया, ये ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि रेकिनला इंडिया के पास है, रिजांगला इंडिया के पास है, तो चाइना यहां से भी आने की गलती नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लोज, सेकेंड ऑप्शन क्लोज एंड थर्ड ऑप्शन क्लोज, चाइना के लिए तीनों रास्ते जो है बंद हो गए। तो समझिए साउथ पेंगोंग में इंडिया की एक तरह से मोनोपोली हो गई थी। और अभी क्या हो रहा है, इंडिया ने ये सब जो है अपनी पोस्टें जो है इंपॉर्टेंट पोस्ट इनको छोड़ के पीछे जाना पड़ेगा, और वहीं जो नॉर्थ पेंगोंग में चाइना क्या करेगा, बियॉन्ड फिंगर एट जाएगा। तो ये आपका हो रहा है और धीरे धीरे डिसएग्रीमेंट शुरू हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए एक मिनट दीजिएगा, क्या मैं न्यूज खोल लूं आपकी? ठीक है, एक मिनट दीजिए सर। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आपके आएंगे पेज नंबर 8 पे। जी एक मिनट दीजिएगा, हम डायरेक्ट आएंगे आपका पेज नंबर 8 पे। जी ठीक है, ये तो आपके आर्टिकल आ गए। ठीक है, अब एक मिनट दीजिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सीक्स सेंटर रिस्पॉन्स ऑन प्रिया फॉर सेफ्टी सिस्टम एट एयरपोर्ट्स। समझिए न्यूज क्या है, न्यूज ये है सर, पेटिशन आई है। पेटिशन किसने की है, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। पेटिशन में क्या कहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पेटिशन में पहले बात की है ईएमएएस सिस्टम की। ईएमएएस होता क्या है, इंजीनियर्ड, ठीक है, इंजीनियर्ड मटेरियल, इंजीनियर्ड मटेरियल, ठीक है, अरेस्टिंग सिस्टम। इंजीनियर्ड मटेरियल अरेस्टिंग सिस्टम, ये क्या होता है, समझ। प्रिया ने कहा है कि आप बताइए, अभी हाल ही में हमने कोझीकोड में एक एक्सीडेंट देखा। जो लोग एविएशन से जुड़े रहते हैं या इनकी न्यूज पढ़ते हैं, तो ये तो सर नॉर्मल आदमी पढ़ता ही है। एविएशन में हमने न्यूज पढ़ी हाल ही में कि कोझीकोड में कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे हुआ, जो प्लेन जो है वो रनवे को ओवरशूट कर गया। रनवे वहां छोटा था और वो रनवे को रनवे से आगे आ गया या स्लिप कर गया। और वो रनवे थे कैसे, उन्हें हम कहते हैं टेबल टॉप। जैसे होता है ना प्लेट्यू, जैसे पठार होता है, वैसी वो रनवे है। तो जैसे ही अगर प्लेन ओवरशूट कर गया तो यहां से नीचे आ जाएगा। और यही कहां हुआ, कोझीकोड में हुआ। कुछ समय पहले यही कांड कहां हुआ था, आपका हुआ था मैंगलुरु में। वहां फ्लाइट थी एयर इंडिया की, और अभी कहां हुआ, कोझीकोड में हुआ। तो ये दिक्कत क्या हो रही, कभी कभी अगर प्लेन जो है रनवे को ओवरशूट कर जाता है तो जो टेबल टॉप रनवे होते हैं ऐसे, वो उससे नीचे गिर जाता है, ठीक है, और इससे जो है भारी मात्रा में नुकसान होता है, पैसेंजर का भी और लाइफ का भी, ठीक है, पैसेंजर का भी और प्रॉपर्टी का भी। अब डीजीसीए, डीजीसीए क्या है पता होना चाहिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन होती है, ठीक है। इनके पास ये पहले से जो है इनको बताया गया कि आप ऐसा कुछ इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, और इनकी नॉलेज में कि ईएमएएस भी कुछ होता है, इनकी नॉलेज में ये 2008 में ही इनकी नॉलेज में आ गया था, ठीक है, 2008 में ही इनकी नॉलेज में आ गया था, किसकी, डीजीसीए की, एमसीए की और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, कि भाई ईएमएएस जो है एक ही सिस्टम है, ठीक है, इनकी नॉलेज में आ गया था। लेकिन अभी तक टिल डेट कोई भी काम नहीं किया गया है। पहली बात, पेटिशन ये कह रही है, पेटिशन ये कह रही है कि 2008 में ही इनको इनकी नॉलेज में ये आ गया था कि डीजीसीए की या एमसीए या एआई की, कि यार ईएमएएस एक सिस्टम होता है जिससे हम ऐसे एक्सीडेंट जो है, जिससे प्लेन जो है रनवे को ओवरशूट करता है, ये हम रोक सकते हैं। लेकिन आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ है, और उसके बाद भी देखिए कोझीकोड में एक्सीडेंट भी हो गया, जिसमें अराउंड कुछ लोग की डेथ भी हुई थी। अब ये होता क्या है, देखते हैं। जब कभी ना जगह जैसे मान लीजिए जगह कम है, मान लीजिए जगह कम है, जो रनवे है वो इतना ही बन सकता है, उससे आगे रनवे नहीं बन सकता। तो मानिए रनवे है,
ये टेबल टॉप रनवे है, ठीक है। अब जो इतनी जगह है ना, यहाँ पर आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसके बारे में एक मुझे एक्चुअली एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ेगी। ये समझ लीजिए ये क्या है, ये समझ लीजिए ये होती क्या है, ये और एग्जाम्पल देख लीजिए। ये ऐसी टाइल्स होती है, ये होती है ऐसी टाइल्स, ठीक है। अगर प्लेन ओवरशूट कर रहा है तो वो इसमें रुक जाएगा, ठीक है, जिससे कि प्लेन की प्लेन को और लोगों को डैमेज नहीं होगा। ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये ब्रेकेबल टाइल्स टाइप की होती है, आप मान लीजिए इसे, ठीक है। अब बाकी तो साइंस के छात्र हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे होता है, और अभी वो समय भी नहीं है बताने का। बेसिकली मेरा इंपॉर्टेंट मुद्दा था टेक्नोलॉजी का, इसे हम कहते हैं EMAS, इंजीनियरिंग मटेरियल अरेस्टिंग सिस्टम। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे एयरपोर्ट्स में लगे जहां पर जो है प्लेन ओवरशूट कर रहा है। और एक इंसिडेंट बताऊंगा मैं आपको सर, 2016 में क्या हुआ कि आपके का नाम मैं भूल गया, कि ऑस्ट्रेलिया यूएसए के थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, रुक जाइए नाम मैं बोल रहा हूँ, माइक पेंस, ठीक है, माइक पेंस जो है 2016 में वो एक प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है, और वो प्लेन जो है ओवरशूट कर गया रनवे को, प्लेन जो है रनवे को ओवरशूट कर गया है। लेकिन वहां पर जो है EMAS सिस्टम जो है इंस्टॉल था, तो उनका प्लेन क्रैश होने से बच गया। इससे क्या हुआ, लाइफ बच गई और प्रॉपर्टी बच गई। यूएसए में अराउंड, ये 2016 का डेटा है, 16-17 का, यूएसए में अराउंड 61 एयरपोर्ट में EMAS इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और इंडिया में अभी तक एक में भी नहीं है। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा सर, सिंस मेजोरिटी ऑफ एक्सीडेंट जो है कुछ हमारे सालों में ये रनवे को शूट जो प्लेन कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है, टेबल टॉप रनवे है हमारे वहां, तो DGCA को इस चीज में देखना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि सिंस कंडीशंस, मौसम हमारे वहां जो है मानसून भी आते हैं तब भी प्लेन चलते हैं, ऑल ओवर दर प्लेन चलता है, कभी कभी प्लेन स्लिप या रनवे को ओवरशूट कर जाता है। उस केस में जो आपका ये EMAS सिस्टम है काम आ सकता है, जिससे कि लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान कम होगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया सर, ठीक है, चलिए इससे आगे हम आते हैं। और कौन सी न्यूज है हमारे पास, ये हो गया, और कौन सी न्यूज है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए, ये तो सर सारी आप देखिएगा, एक मिनट दीजिएगा, ये देखिए SC ऑर्डर और निकिता बेल, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दिशा दिशा के बारे में पढ़ चुके हैं, बाकी ये तीन न्यूज काम की नहीं है आपकी, ये तो उनकी डेली लाइफ के ऊपर दे दिया है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, टूल किट कॉन्टेंट डज नॉट डिस्क्लोज सडिशन। कौन कह रहे हैं, गुप्ता साहब कह रहे हैं, जो एक्स जज है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले उसमें, ठीक है। चलिए ये एक आपका, ये एक आर्टिकल है, इंडियन मिशन जो है, ठीक है, इंडियन मिशन राइट्स टू यूके लॉ मेकर, द न्यू फार्म लॉज वर ड्यूली डिस्कस्ड, तो नए फार्म लॉज थे वो डिस्कस किए गए थे एंड डिबेटेड कहां पर, पार्लियामेंट में, बिफोर बीइंग पास्ड। द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन द यूके सेड इन एन अनयूजुअल ओपन लेटर टू द ब्रिटिश लॉ मेकर, क्योंकि ब्रिटिश लॉ मेकर जो है कमेंट करे जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, उसके जो है उनके उनके जो सेंटेंस थे उसके रिएक्शन में जो हमारे हाई कमिश्नर है यूके में, उन्होंने कहा है कि जो लॉ पास हुआ है ये एक लॉ पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, और ये क्या है, प्रॉपरली डिस्कस्ड है और इसमें डिबेट भी की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है, ऐसी कोई न्यूज तो नहीं है इस पेज में, ये 12th पेज की न्यूज है, एक मिनट दीजिएगा, मैं साथ साथ में सर पेपर खोलता हूँ, कि पेपर में मैंने न्यूज जो है वो आपकी टिक की होती है, ठीक है। हाँ ये आपका है, उत्तराखंड में क्या हुआ ये भी आप जानते हैं, ठीक है, आई गेस बताने की जरूरत नहीं है आपको, बता चुका हूँ बहुत बार, स्पेशल सेशन भी लिया है वो आप देखिएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड में क्या हुआ कि जो ये आपकी स्लाइड लैंडस्लाइड आई, ठीक है, फिर क्या हुआ उसमें, लैब स्टडी टू ट्रेस ओरिजिन ऑफ डिजास्टर, ठीक है। साइंटिस्ट जो है आपकी वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं देहरादून, वो एनालाइज कर रहे हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ आइस रॉक एंड मड, जिसकी वजह से ये डिजास्टर आया है। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट सर यही बता रही है कि ये कुछ नहीं हुआ है, एक ग्लेशियर का टुकड़ा जो है वो टूट गया है, जिससे क्या हुआ है, फ्लडिंग आई है। बाकी जब रिपोर्ट आती है तो देखते हैं, बाकी अगर
इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ पर है, देहरादून में है। जो लोग उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ लोकेशंस जो कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि फ्लड्स में थी, कौन सी, नंदा देवी ग्लेशियर, ठीक है। दूसरा क्या थी आपकी, दूसरा थी आपकी रायनी विलेज। तीसरा क्या था आपका सर, अलकनंदा का जो पूरा पाथ है अलकनंदा का, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, लोकेशन वाइज ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये छोटी सी न्यूज है, ठीक है, अभी मैं इसको एलेबरेट नहीं कर रहा हूं कि ऑक्सफोर्ड ने क्या किया है। जो ऑक्सफोर्ड थी हमारी, उसको WHO ने क्या किया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इन शॉर्ट मतलब जो जो हमारी वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड की, एस्ट्राजेनिका, उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मतलब इमरजेंसी यूज के लिए उसको रोल आउट हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अभी तक क्या था कि इंडिया इंडिया ने दिया था उसे, जो इंडिया का आपका DCGA है, ठीक है, जो हमारा DCGA था इंडिया में, उसने उसको परमिशन दी थी इंडिया में इमरजेंसी यूज के लिए। अभी WHO ने भी दे दिया है उसको ग्रीन लाइट। इसका मतलब क्या है कि वो इंटरनेशनली अप्रूव हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन इंटरनेशनली अप्रूव हो गई है, किस केस में, इमरजेंसी के यूज में, ठीक है। चलिए ये आप एक देखिए, ये हमेशा से इस बारे में बात हो रही है सर, ठीक है। बात क्या हो रही है, OTT, OTT और OTT। OTT क्या होता है पहले ही समझिए आप लोग, इसे हम कहते हैं ओवर द टॉप, इसे हम कहते हैं ओवर द टॉप। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं आप बताइए, किसी को अगर आइडिया हो तो। ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, हम सुनते हैं OTT, OTT। ये सर OTT होता क्या है, किसी को पता है इस बारे में कि OTT होता क्या है, बताते हैं आपको, एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल है आपका नेटफ्लिक्स, एग्जाम्पल है आपका नेटफ्लिक्स, एग्जाम्पल है आपका एमेजन प्राइम, एग्जाम्पल है आपका एमेजॉन प्राइम, एग्जाम्पल है आपका क्या, हॉटस्टार। ये सब क्या है ना, ये सब आपके नेटफ्लिक्स हैं, इसे हम कहते हैं ओवर दी टॉप। हमेशा से कॉन्ट्रोवर्सीज में रहा है, क्यों रहा है, पहली बात तो सर ये इसका बहुत बड़ा मार्केट है, बिग मार्केट इन इंडिया, और बिग मार्केट इन इंडिया, और ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। बड़ी बात यह है कि ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, एंड इट हैज द पोटेंशियल, इट ऑल्सो हैज द पोटेंशियल। अब इसमें सर इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। नेगेटिव पॉइंट यह है ना सर, ये न्यूडिटी को बढ़ावा देता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है सर, एब्यूजिव लैंग्वेज इसमें आती है, क्या होती है इसमें, एब्यूजिव लैंग्वेज आती है। हम देख सकते हैं, आप चाहे मिर्जापुर देखिए, मैं किसी को इंडिविजुअली क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कोई भी सीरीज देखिए, गाली गलौज तो उसमें चलती रहती है, ठीक है। और इसमें कोई लॉ नहीं है इसको रेगुलेट करने का, ठीक है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, एक मिनट दीजिएगा सर जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो क्या है कि देखिए इसमें क्या होता है, गाली गलौज बहुत चलती है प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। आप देखते हैं कितनी वेब सीरीज आती है नेटफ्लिक्स में, अमेजन प्राइम में, तो इसमें क्या है, गाली गलौज बहुत चलती है, एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज होता है, ठीक है। कह सकते हैं थोड़ा एडल्ट भी होती है बहुत सारी, और इसमें कोई लॉ नहीं है इसको रेगुलेट करने का, ठीक है। वेर इन सर पॉजिटिव बातें क्या है, ये स्पीच को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा देती है, जो एक्चुअल में हो रहा है लाइफ में, ये उस चीज को दिखाती है। क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारी ये जो भी बॉडी रेगुलेट होती है उसमें कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म आ जाता है, लेकिन ये जो हमारे चैनल्स हैं ये ओपन है, ये ऑटोनोमस है, तो ये वास्तव में वो दिखाते हैं जो एक्चुअली में हो रहा है। इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, पहली बात इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, लेकिन समझिए इसका पलड़ा कम है, कम भारी है, इसका पलड़ा बहुत भारी है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है OTT की। अच्छी बात क्या है कि एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को बढ़ावा दे रहे हैं, ऑटोनॉमी है, जो सच्चाई में हो रहा है वही ये लोग दिखा रहे हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये जो है न्यूडिटी को जो है बढ़ावा देते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं, और कहीं ना कहीं कोई लॉ नहीं है इसको रेगुलेट करने का, ठीक है। और यही एक प्लिया जो है बोबड़े साहब के पास आई थी कि प्लिया टू रेगुलेट कंटेंट्स ऑन प्लेटफॉर्म, ये आई थी, और इन्होंने सरकार से कहा है कि आप रिप्लाई कीजिए इसका, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने कोई लॉ बनाया है या नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए,
बीच में क्या हुआ ना, इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो है, आई मिनिस्ट्री जो है हमारी, इन्होंने कहा इन ओटीटी चैनल से कि आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करो, आप अपने आप को क्या करो, सेल्फ रेगुलेट करो। इन शॉर्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं ये देख लेते हैं, ये इजी हो जाएगा आपके लिए, ये बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। वंस द क्रिएशन ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी सच एज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे कि देखिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये पूरी प्रेस को जो है मैनिपुलेट करती है, रेगुलेट करती है, ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। वो कुछ लोग साथ मिलकर आए, उन्होंने एक बॉडी बनाई, उसमें जो है मेंबर्स चुने गए और वो लोग रेगुलेट करते हैं प्रेस को। वैसी जो है ये कह रहे हैं कि आप लोग एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बना लीजिए, लेकिन अभी तक जो है किसी भी ओटीटी ने उसमें साइन नहीं किया है, ठीक है। दूसरा क्या है, सरकार एक लॉ बना दे, दूसरा क्या है, सरकार एक लॉ बना दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल केबल टीवी एक्ट है हमारा जो कि 1995 का है, वो क्या करता है, वो केबल टीवी को रेगुलेट करता है। वही कह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया जो है अभी तक अनरेगुलेटेड है, और अगर आप लोग सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, हम एक लॉ लेके आएंगे जो डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करेगा, और मेरे ख्याल से ये होना भी चाहिए। इन शॉर्ट दो ऑप्शन दे दिए हैं, या तो आप सेल्फ से कुछ कर लो, साथ मिलके आओ और एक बॉडी बनाओ जो कि आप लोगों के ऊपर नजर रखेगी, ठीक है, या ऐसा कर लो हम एक लॉ बना देंगे, लॉ आपको रेगुलेट कर लेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है सर। और जो बोबड़े साहब ने जो है इस समय सरकार से इसके ऊपर जवाब मांगा है। चलिए एक आपके ये भी है सर, ये क्या है, समझते हैं इस केस को, समझते हैं। पहले तीन जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में मैं लिख लेता हूं, एक मिनट दीजिएगा, तीन नाम मैं लिख देता हूं, इनकी फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा सर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तीन नाम क्या है आपकी, एक मिनट दीजिएगा, एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पहला ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंडियन फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट, इंडियन फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट, ठीक है, दो ये हो गया, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। और एक क्या है, ये है आपका AIFT, एमनेस्टी इंटरनेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट, ठीक है। चलिए एक मिनट दीजिएगा, AIIFT, ठीक है। अब क्या हुआ ना, AIIFT जो था हमारा, ठीक है, जो AIIFT हमारा था, ठीक है, ये बेसिकली क्या था, एमनेस्टी इंडियन इंटरनेशनल इंडियन AIIFT, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडियन फाउंडेशन ट्रस्ट, ये एक तरह से एनजीओ था, ठीक है, ये एक तरह से आपका एनजीओ था जो इंडिया में काम किया करता था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। हमारे पास एक एक्ट है फॉरेन, हमारे पास एक एक्ट है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें क्या होता है कि हमारे देश में, ठीक है, अभी मैं ऐसे बना दिया, हमारे देश में जो भी बाहर से पैसा आ रहा है किस पे, AIIFT, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडियन फाउंडेशन ट्रस्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडियन फाउंडेशन ट्रस्ट, जो भी इस पे पैसा आ रहा है बाहर से, डॉलर आ रहा है, वो जो है एमनेस्टी जो है उसके लिए परमिशन लेगा, किससे, उसके उसके लिए परमिशन लेगा, ठीक है, और इसके पास परमिशन थी। लेकिन क्या हुआ, 2012 मान लेते हैं, 12 या 13 की बात है, 2012 में इसकी परमिशन कैंसिल कर दी, 2012 में इसकी परमिशन कैंसिल कर दी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को इनपुट आया कि ये कुछ जो है गलत कामों में पैसे का यूज हो रहा है, बेसिकली गलत कामों में इस पैसे का यूज हो रहा है, ऐसा कहा गया कि जो AIIFT है, जिसको कि बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो इसके अंडर इसको मिल रहा है, उसमें क्या है, हमारी इंपोर्ट एजेंसीज ने हमें कहा, जो हमारा इंपोर्ट आया वो कहा कि इस पैसे का यूज जो है कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए हो रहा है या कुछ गलत कामों के लिए हो रहा है, तो 2012 में इसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है बैन कर दिया गया है। इसके बेसिस पे हमें हमारे ऊपर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के आरोप भी लगे गए, ठीक है। ये तो मैंने बात की AIIFT की, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडियन फाउंडेशन फंड की, ठीक है। अब ये दो आपकी कंपनी है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और दूसरा है एमनेस्टी इंडियन फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट, ये दो है। अब क्या हो रहा है ना, अब क्या हो रहा है कि जो बाहर से पैसा है,
ठीक है, ये सारा हमारे इंडियन बाउंड्री में है, ये इंडियन बाउंड्री में है, ये है और आपका ये भी इंडियन बाउंड्री में है, AIIFT। अब बाहर से ना पैसा आ रहा है इनपे, बाहर से पैसा आ रहा है इनपे किस बहाने कि ये सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से पैसा आ रहा है इनपे कि ये सर्विस को जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों पैसा आ गया और देन ये क्या कर रहे हैं, इस पैसे को दे रहे हैं इसे। समझ में आया आपको, बाहर से पैसा आ रहा है इन लोगों पे ये कहने के लिए इस बात में कि ये लोग बाहर कुछ सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर से जो है इनके पास पैसा आ रहा है तो इनको FCRA की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो सर्विस कर रहे हैं। अब जो आदमी मैं अपनी सर्विस बाहर प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे बाहर से इनकम भी आएगी और नेचुरल है तो इनको इनकम आ रही है बाहर से। अब ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इनको बाहर से इनकम आ रही है। अब जो इनकम इन्हें आ रही है ये पैसा किसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, AIIFT को। ये क्या हो गया एक तरह से, ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, सरकार का ये आरोप है। और सरकार कह रहे हैं कि इन्होंने क्या सर्विस बाहर ट्रांसफर की है, इन्होंने क्या सर्विस बाहर ट्रांसफर की है उसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। समझ रहे हैं, तो बाहर से सर्विस के नाम पे बाहर से पैसा मंगा रहे हैं और ये पैसा किसे ट्रांसफर कर रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडियन फाउंडेशन फंड जो एक NGO है, और इसको अगर बाहर से पैसा लेना है तो इसको FCRA के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो इसको अपने आप को FCRA के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन FCRA ने इसे बैन कर दिया है 2012 में बाहर से फंड लेने के लिए। अब ये दूसरा चैनल ढूंढ रहा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का चैनल है, ठीक है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है अभी इसमें FIR फाइल की थी CBI ने, इस पे केस चल रहा है, ठीक है। चलिए ये न्यूज भी हमारी जो है खत्म हो गई है, पढ़ लीजिएगा बड़ा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। हमने बात की थी जम्मू कश्मीर में, इससे पहले भी दो बार जो है जम्मू कश्मीर में बाहर के एम्बेसडर्स आ चुके हैं और इस बार भी वेनसडे को, इस बार भी वेनसडे को बाहर के एम्बेसडर आ रहे हैं, ठीक है। उसमें से एक कौन है, यूरोपियन यूनियन का जो एम्बेसडर है आपका डॉर उगो ऑस्टुटो इज एक्सपेक्टेड टू लीड अ डेलीगेशन, ये लीड कर रहे हैं ऑफ एम्बेसडर्स इंक्लूडिंग सम फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन वेनसडे, ठीक है। अभी इतनी ही न्यूज इंपॉर्टेंट है कि वेनसडे को ये जो हमारे एम्बेसडर्स हैं बाहर के डिप्लोमेट्स हैं ये जम्मू कश्मीर में आएंगे, श्रीनगर जाएंगे सबसे पहले और वहां जाके यार उसके बाद जो है पूरी सिचुएशन को जो है भापेंगे नापेंगे, देखेंगे कि वहां पर कहीं ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है, क्या इंडिया ने वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन किया ही नहीं किया है, और जब अपनी ये रिपोर्ट देंगे तब इंपॉर्टेंट है। बाकी लोकल पॉलिटिकल लीडर कुछ भी बोलते रहे, क्योंकि देखिए वो तो कहेंगे कि ये जो आपका डिप्लोमेट का जो मिशन है ये मोटिवेटेड है, ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो वो अलग बात है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ये डिप्लोमेट वहां चले जाएंगे और जब अपना बयान देंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी के लिए इतना ही समझिए कि जो ये डिप्लोमेट है ये वेनसडे को जो है आपका कहाँ विजिट कर रहे हैं, श्रीनगर में सबसे पहले, एंड देन वहां से फर्दर ये आगे जाएंगे। और इसको लीड कौन कर रहा है, इनको लीड कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के कौन एम्बेसडर जिनका नाम है डॉर उगो ऑस्टुटो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, आज सेशन लंबा हो गया सर, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना लंबा होगा सेशन, लेकिन लंबा सेशन हो गया आज। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, दो तीन न्यूज पढ़ी है सर, पढ़नी तो पड़ेगी, अगर लोगों से आगे बढ़ना है तो न्यूज तो पढ़नी पड़ेगी, तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। रुकिएगा, सेशन कितना लंबा हो गया एक बार ये भी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अभी कंट्रोल में ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। म्यांमार में क्या है सर, म्यांमार में आपकी जो कह सकते हैं सूकी को जो है, म्यांमार में अभी तक क्या हुआ है ये देख लेते हैं, ये पूरा डेवलपमेंट हम नोट कर लेते हैं एक बार, म्यांमार में क्या हुआ है अभी तक, ठीक है। म्यांमार में से इलेक्शन हुआ, म्यांमार में 2011 से पहले की बात बता रहा हूं, 2011 से पहले यहां क्या था, मिलिट्री रूल था, 2011 से पहले यहां मिलिट्री रूल था। 2011 में सू की को क्या किया, रिलीज किया गया, ये हाउस अरेस्ट में थी, रिलीज किया गया, एंड देन 2015 में इलेक्शन कराए गए, 2015 में इलेक्शन कराए गए, और इलेक्शन में कौन जीता, सू की पार्टी जो है वो जीत गई। जो सू की है इनके पापा भी पहले जो है लीडर रह चुके हैं डेमोक्रेसी को, ये मतलब उसके लिए लड़ चुके हैं इनके फादर जो थे, तो अभी जो है 2015 में इनको इलेक्शन में जीत मिली, एंड 2020 तक इनकी पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की। फिर 2020 में
दोबारा इलेक्शन हुए और इनकी पार्टी दोबारा जीत गई। लेकिन अब लगे इन पे आरोप, अब लगाए इन पे आरोप किसने, मिलिट्री ने, मिलिट्री ने इन पे लगाए आरोप। पहला, फ्रॉड हुआ है इलेक्शन में, इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है, वोटर्स को अलाउ नहीं किया, ठीक है। तो ये इन पे आरोप लगे। इस आरोप को लेकर, और इन पे एक और आरोप था, इन पे एक और आरोप था, आरोप क्या था, इन्होंने सेक्शन 8 ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो सेक्शन 8 है वहां का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, ठीक है, उसमें क्या किया इन्होंने, उन्होंने जो है उसको वॉयलेट किया है। जो सेक्शन 8 है आपका, उसको इन्होंने वॉयलेट किया है, ठीक है, क्योंकि इनके घर में क्या मिली थी, वॉकी टॉकीज, ठीक है। अभी इतना ही जानिए आप कि सेक्शन 8 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो इनका रूल था उसको वॉयलेट किया है, और इनके घर में क्या मिली है, वॉकी टॉकीज मिली है, ठीक है। तो ये 3-4 इनका आरोप थे कि इलेक्शन में धांधली हुई है, वोटर को अलाउ नहीं किया गया वोट देने के लिए, और इनको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लॉ के अंदर इन पे वॉयलेशन का आरोप लगा गया। और मिलिट्री ऐसा क्यों कर रही थी, ये खबर ये थी कि जो अपोजिशन पार्टी है उसको मिलिट्री बैक कर रही थी। फिर क्या हुआ, 2020 में, 2021 की शुरुआत में मिलिट्री ने कूप कर दिया और पावर अपने हाथ में ले ली, और जो मिलिट्री जनरल है वो अभी कंट्री को लीड कर रहे हैं, जो मिलिट्री जनरल है वो अभी कंट्री को लीड कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जो हो रहा है वो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक डेमोक्रेसी वहां प्रिवेल नहीं की है। इसी के बीच इन्होंने जो है सू की पे एक और आरोप लगा दिया, इन्होंने लगाया है आरोप, सेक्शन इनका है 25 नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के अंदर इन्होंने सू की पे आरोप लगाया है। इन्होंने आरोप क्या लगाया है कि एक कंप्लेन किया गया था, ठीक है, एक कंप्लेन हुआ था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है आपका लॉ, एक कंप्लेन किया था इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे, उसमें क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो नहीं हुई। समझ रहे कितना गंभीर आरोप है, समझिए कितना गंभीर आरोप लगा रही है मिलिट्री कि एक कंप्लेन इन्होंने किया था दैट दी जनता एलिज ब्रोक कोरोना वायरस रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन, जनता ने ये रिस्ट्रिक्शन तोड़े कोरोना वायरस के, तो इनके ऊपर दूसरा आरोप है। तो इन शॉर्ट इन पे आरोप क्या है, पहले वो देखते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के अंडर सेक्शन 25 में इन पे आरोप है कि इनके कंपेन में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो नहीं किया। दूसरा इन पे आरोप है सेक्शन 8 ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो इनका था, इनके घर में वॉकी टॉकीज मिली है, दो आरोप इन पे है। तीसरा क्या है कि इलेक्शन में क्या हुआ है, धांधली हुई है। ये 3 आरोप है, इतने बड़े बड़े आरोप, समझ रहे हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के अंडर लोगों ने डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की, इनको जेल में डालो, सेक्शन 8 ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉकी टॉकी ये मिला इनके पास, और तीसरा ये है। तो ये इनके आरोप है। अब मिलिट्री क्या कह रही है, सिंस वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा चाहती हैं कि डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, अभी मिलिट्री क्या कह रही है इसमें, मिलिट्री इसमें ये कह रही है कि इनको हमने अरेस्ट नहीं किया है, दे आर स्टेइंग एट देयर हाउसेस और दे आर बेसिकली इन अ वेरी गुड पोजिशन, ठीक है। बट मिलिट्री कह रही है आर ऑब्जेक्टिव, जो हमारा लक्ष्य है, इज टू होल्ड एन इलेक्शन, जो हमारा लक्ष्य है वो इलेक्शन को होल्ड करना है, ठीक है। आर जो हमारा लक्ष्य है इज टू होल्ड, आर ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, आर ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड एन इलेक्शन एंड हैंड पावर टू द विनिंग पार्टी, ही सेड वी गारंटी दैट द इलेक्शन विल बी हेल्ड, इन्होंने ये कह दिया। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं मिलिट्री वाले कि जो गलती हुई है हम उसको सुधार रहे हैं, और हम हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम पावर में रहेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इलेक्शन करवाएंगे, एक निष्पक्ष इलेक्शन होगा और हम विनिंग पार्टी को सत्ता प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने मिलिट्री ने, ठीक है। ये देखिए सर, ये मैं एक सेशन प्लान कर रहा हूँ, यकीन मानिए टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, सेशन में प्लान कर रहा हूँ रॉकेट स्ट्राइक्स एट यूएस बेस इन इराक। ये न्यूज तो इतनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बताऊं, न्यूज मेरे लिए है कुर्दिस्तान, न्यूज इंपॉर्टेंट मेरे लिए है हिस्ट्री ऑफ कुर्दिस्तान। तो सर कभी लेके आते हैं कुर्दिस्तान की कहानी राइट फ्रॉम द बेसिक्स, जिससे कि आपकी ये न्यूज भी क्लियर हो जाए। अभी मैं न्यूज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कुर्दिस्तान की हिस्ट्री के बारे में एक सेशन लेके आऊंगा, मोस्ट प्रॉबली आज रात ले आऊंगा या कल ले आऊंगा, ठीक है, बट लाऊंगा पक्का, आप बेफिक्र रहिएगा। तो अभी के लिए हम ये एक न्यूज छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये श्रीलंका में क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं।
श्रीलंका कॉन्सिडरिंग इंडिया ग्रैंड इंस्टेड ऑफ चाइना प्रोजेक्ट। ठीक है, पहले हल्की सी न्यूज देखेंगे, देन हम अपना मुद्दा देखेंगे। न्यूज क्या थी आपकी? न्यूज थी हमारी द डेवलपमेंट कम्स लेस देन अ मंथ, एक मंथ भी कम हुआ था जब श्रीलंका की कैबिनेट ने क्लियर किया एक प्रोजेक्ट टू इंस्टॉल हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। श्रीलंका की कैबिनेट ने हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए एक प्रोजेक्ट को क्लियर किया। वो कहां पर था? नैना तीयू, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ सकती है, डेल्थ और अनालाई टीबू। ये कहां पर है? ये पाथ बे में लोकेटेड है, सम 50 किलोमीटर ऑफ फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, ये तीन आइलैंड थे जहां श्रीलंका ने क्या कहा कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि क्या करेगा, वो इंस्टॉल करेगा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इन तीन आइलैंड में जो कि पाक बे में है, नियरली 50 किलोमीटर हमारे तमिलनाडु से दूर है। ठीक है, और ये दिया किसे? ये जो बिडिंग जो उसको अवार्ड दिया गया, दिस प्रपोजल टू अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू सिनोसोर ईटेक विन, जो एक ज्वाइंट वेंचर है इन चाइना। ठीक है, तो चाइना की एक कंपनी को इन तीन आइलैंड्स में जो है हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया। ठीक है, इसकी लोकेशन दिखाता हूं मैं, कहां इसकी लोकेशन है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहां है? इसकी लोकेशन आपकी ये है, देखिए लोकेशन देखिए इनकी। एक क्या था आपका? नैना तीबू, एक था डेल्थ और एक था अनालाई टीबू। ये आपका यहां पर है, हमारे तमिलनाडु से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर एक चाइनीज टीम यहां पर कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेगी, इससे क्या होगा? इससे सिक्योरिटी इश्यूज हमारे लिए हो सकते हैं, इससे हमारे लिए सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। और इंडिया ने क्या किया है? अभी इंडिया ने कुछ नहीं किया है, इंडिया कह रहा है कि आप हमसे ग्रांट ले लीजिए। इंडिया ने क्या किया है? $12 मिलियन की ग्रांट देनी चाहिए किसे? श्रीलंका को। और श्रीलंका क्या कर रहा है? कंसिडर कर रहा है, श्रीलंका कंसिडरिंग इंडिया ग्रांट इंस्टेड ऑफ चाइना प्रोजेक्ट। इंडिया कह रहा है लो यार आप पैसे लो हमसे, ग्रांट लो, कोई लोन नहीं है, ग्रांट है, इसे उधार उधार भी नहीं है, गिफ्ट हमारी तरफ से, आप 12 मिलियन पैसे हमसे लो और उसको जो है आप बिल्ड करो। चाइनीज कंपनी को आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हो? आप खुद बिल्ड कीजिए उसे। इससे क्या होगा? डबल फायदा है, आप लोगों को पैसा मिल रहा है फ्री का, ठीक है। सेकेंड क्या फायदा है? हमारे भी जो सिक्योरिटी इश्यूज है वो नहीं आएंगे। और श्रीलंका कहीं ना कहीं इसको जो है कंसिडर कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आ सकता है। और श्रीलंका की तरफ से भी स्टेटमेंट आए हैं इस बारे में कि हाँ, वी आर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इंडिया कैन हैव सम सिक्योरिटी कंसर्न्स इफ चाइनास फर्म इज गोइंग टू डेवलप दीज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स व्हिच इज अराउंड 50 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियाज बॉर्डर, राइट। तो श्रीलंका जो है इसे कंसिडर कर रहा है, एंड वी होप एक पॉजिटिव न्यूज हमारे पास जल्दी आएगी। ठीक है, चलिए। और अभी कुछ समय पहले आप जानते हैं कि श्रीलंका ने जो आपका ये एक न्यूज थी, भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, कि श्रीलंका ने जो हमारा ईस्ट कंटेनर टर्मिनल था वहां से इंडिया जापान को आउट कर दिया है, बाहर कर दिया है यूनिलैटरली। तो इससे हमारे रिश्तों में थोड़ी खटास आई है, लेकिन श्रीलंका ने क्या किया है? इंडिया को ऑफर दिया है कि आप वेस्ट कोस्टल टर्मिनल बना सकते हैं और उसमें आपका स्टेक जो होगा वो कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, अभी इंडिया के जो मिनिस्ट्री है उसमें इसने कुछ नहीं रिप्लाई किया है, किसने? इंडिया की मिनिस्ट्री ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केन एनर्जी का जो केस था, केन ने केस किया था इंडिया पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर इन्होंने इंडिया पे केस किया था सिंगापुर आर्बिट्रेटर में। तो वहां पर ये केस जीत गए एंड उन्होंने अवार्ड किया 1.2 बिलियन जो है इंडिया पे करेगी जिसे केन फाइल्स को कंपनसेशन के तौर पे। लेकिन इंडिया ने अभी तक पे नहीं किया है और इंडिया इसकी अपील करने की सोच रही थी, लेकिन अभी केन्स ने क्या किया, इन्होंने केस फाइल किया है कहां? यूएस में, जिससे कि इंडिया जो है जल्दी से ये पैसा प्रोवाइड करे। ठीक है, एनबीएफसी क्या है? हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो आपकी होती है, ये अभी इनके जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है, ठीक है, ये बढ़ रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई इन इट्स फाइनल स्टेबिलिटी रिपोर्ट SR रिपोर्ट जो होती है रिलीज्ड लास्ट मंथ, इन्होंने कहा है जी ग्रॉस एनपीए जो है ऑफ एनबीएफसी ये इंक्रीज कर गए हैं 6.3 एज ऑफ मार्च 20। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है द एसेट क्वालिटी ऑफ एनबीएफसी इज एक्सपेक्टेड टू डिटेरिएट। जो इनकी एसेट क्वालिटी है वो और खराब होने वाली है। क्यों? क्योंकि डिसरप्शन हुआ है बिजनेस ऑपरेशन में कॉज्ड बाय द पेंडेमिक।
क्योंकि एनबीएफसी क्या है ना, जो इनका मेजर रेसिपेंट है, इनका मेजर जो कह सकते हैं कस्टमर है, वो कौन है? वो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। और पेंडेमिक में क्या हुआ, पूरी इंडस्ट्रीज बंद थी, तो इससे क्या हुआ, इनमें जो क्या हुआ, इनकी जो एसेट्स क्वालिटी क्वालिटी जो होती है उसमें बहुत सारा नुकसान आया। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा आप। ठीक है, चलिए बाकी आप जानते हैं हाउ। अब ये क्या कह रहा है, स्टेट्स एसेट्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर लाइकली टू टच रुपीज 1.5 से 1.1 लाख करोड़ और 6 to 7.5% ऑफ देयर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द फिस्कल। हाउएवर देखिए क्या है, मैं इजी करता हूं, एनबीएफसी क्या है सर, घाटे में आ रही है, इनका एनपीए बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम जो है रीस्ट्रक्चरिंग जो है गवर्नमेंट करेगी, जिससे इनका एनपीए जो है कम हो जाएगा। मतलब कुछ पैसा मान लीजिए इनको आरबीआई दे देगा, जिससे इनका क्या होगा, ग्रॉस एनपीए नीचे आ जाएगा। लेकिन आरबीआई का कहना है कि अभी भी जो इनका एनपीए है आगे और डिटेरियट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो डिसरप्शन हुआ है किससे, कोविड से, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कि इनका मेजर कस्टमर है, उसकी वजह से इनको बहुत लॉस हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखिए एक न्यूज थी, अदानी फिल्म कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ डीगी पोर्ट। डीगी पोर्ट का जो एक्विजिशन है अदानी फिल्म ने किया है, 100% स्टेक जो है ले लिया है फॉर 705 करोड़, इसलिए आज शेयर्स जो थे अदानी पोर्ट्स के बहुत ऊपर जा रहे थे। ठीक है, चलिए जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 1% इन क्वार्टर थ्री बोफे। ठीक है, देखिए सर अभी क्वार्टर थ्री आया नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट है, और हमारे जो रेटिंग फिल्म्स है, ब्रोकरेजेस है, उन्होंने फोरकास्ट किया है पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ 0.4 से 0.7% तक। इन्होंने जो हमारी सेवरल एजेंसीज है, रेटिंग फिल्म्स है, उन्होंने 0.4 से 0.7